दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कांवर यात्रा, चारधाम यात्रा, हरिद्वार की संपूर्ण यात्रा, बाढ़ की डिटेल्स और माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी की संपूर्ण यात्रा, साथ साथ महादेव नीलकंठ की यात्रा के संपूर्ण डिटेल मिलने वाली है। दोस्तों हर रंगे, उम्मीद है आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये बस स्टेशन का दृश्य दिखा रहा हूँ आप लोगों को। काफ़ी कम श्रद्धालु बस स्टेशन पे अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी बस भी कम दिखाई दे रही हैं, तो बस के सफ़र करने वाले श्रद्धालुओं के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बॉर्डर पर आते वक्त उनको थोड़ा से बस को लेके वेट करना पड़ सकता है, या फिर बस खड़े भी रहेंगे तो बस की भरते तक का वेट करना पड़ सकता है, ये परेशानी हो सकती है। और रही बस कोविड टेस्ट का, तो आप कोविड टेस्ट के बिना भी अगर आते हैं बस में तो आपकी चेकिंग अगर होती है बॉर्डर पर, तो आपको वहाँ पर कोविड टेस्ट कराना पड़ सकता है। क्योंकि क्या है, काफ़ी सारे श्रद्धालु बोल रहे थे कि हमको 19-20-21 को आने नहीं दिया गया था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि क्या 19-20-21 को बॉर्डर सील कर दिया गया था, काफ़ी सारे कार के यात्रियों को वापस किया गया है। और देख सकते हैं मैं रुड़की बस स्टेशन से हरिद्वार बस स्टेशन के लिए जा रहा हूँ, जिससे क्या हमको पता चलेगा कि वास्तविक में हमको क्या सिचुएशन होने वाली है। और ट्रेन के सफ़र का भी आप लोगों को दिखाते रहता हूँ, आज भी दिखाऊँगा मैं। दोस्तों काफ़ी सारे श्रद्धालु ट्रेन की सफ़र करके हरिद्वार आना चाह रहे थे, तो ट्रेन की सफ़र करने वालों के लिए तो खुशखबरी है, ये है उनको तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोविड टेस्ट की ना रजिस्ट्रेशन की, ऐसे कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होने वाली है। अगर वो ट्रेन से आते हैं तो उन्हें धर्मशाला में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना ये भी था कि हमारे पास कोविड टेस्ट नहीं होंगे तो धर्मशाला होटल हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, धर्मशाला होटल आपको मिल जाएंगे, बिना कोविड टेस्ट के ही मिल जाएंगे। काफ़ी सारे श्रद्धालु कांवर यात्रा की अपडेट और चारधाम यात्रा की अपडेट की इंक्वायरी कर रहे थे, लेकिन अभी चारधाम यात्रा की अपडेट और कांवर यात्रा की अपडेट नहीं आई है। जैसे कोई अपडेट आती है मैं ज़रूर बताऊंगा। चारधाम यात्रा तो चालू हो गया है, लेकिन लोकल लोगों के लिए और तो बाहर के लोगों के लिए अभी कोई अपडेट नहीं आई है। तो जैसे कोई अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज हरिद्वार में काफ़ी धूप वाली मौसम है, काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है, तो जिससे क्या है आप लोगों को आसानी होगा। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना ये भी था कि क्या हम अभी हरिद्वार आ सकते हैं, वहाँ बाढ़ का क्या सिचुएशन है। तो बाढ़ देखो, एक बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पानी का बहाव कुछ ज़्यादा हो जाता है, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर मार्केट की स्थिति, मार्केट कब खुलने वाली है, कैसे खुलने वाली है। मार्केट यहाँ पर 5 दिन खुलेंगे, शनिवार और संडे को छोड़ के। शनिवार और संडे को भी मार्केट कुछ खुले होंगे, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। काफ़ी सारे श्रद्धालु पूछ रहे थे कि हम संडे और अगर शनिवार को आए तो हमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप शनिवार या रविवार को आने वाले हैं तो आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएंगी, और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ऐसे धर्मशाला या होटल में रुके जहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना था कि अगर आए कार से तो कोई परेशानी हो सकती है, जैसे कि 19-20-21 वाले को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, काफ़ी सारे लोग वापस भेज दिए, वैसे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, अगर आप आते हैं तो आपको कोविड टेस्ट वहाँ पे चेकिंग हो सकती है, अगर चेकिंग हुई तो आपको कोविड टेस्ट दिखाना पड़ सकता है। और अगर कोविड टेस्ट नहीं लेके आए हैं तो वहाँ पे बूथ भी लगा होता है, वो वहाँ पे चेक हो सकता है और रैपिड टेस्ट होता है। अगर आरटीपीसीआर कराने में कोई परेशानी हो रही है तो आप रैपिड टेस्ट भी करा सकते हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कराने की ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो हम कैसे कराएं। तो आप अगर नहीं ऑप्शन कुछ तो अभी आप ऐसा भी आ सकते हैं, यहाँ पर आपकी चेकिंग हो सकती है, तो आपको यहाँ पर कराना पड़ सकता है। बस इतनी ही परेशानी है कि कोविड टेस्ट का, बाकी ऐसा कोई परेशानी नहीं है। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि नए घाट कहाँ पे है और हम वहाँ पे मुंडन या अस्थि विसर्जन कार्यक्रम अभी करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। हाँ, आप अभी अस्थि विसर्जन और मुंडन कार्यक्रम करा सकते हैं। आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ कि नए घाट कहाँ पे है और हमें कहाँ पे मुंडन का कार्यक्रम और कहाँ पे अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम करवाना होता है।
काफ़ी सारे श्रद्धालु जहाँ पे अभी आप लोगों को दिखा दूँ मैं हूँ, यहाँ पे भी मुंडन कार्यक्रम कराते हैं सेपरेट नए लेके, और अस्थि विसर्जन का भी कार्यक्रम यहाँ पे करवा लेते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु। लेकिन अस्थि विसर्जन का घाट सामने है, अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आपको देखने को आज मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और स्नान करने वाले, लेकिन माँ गंगा के जल स्तर में काफ़ी यहाँ पर कमी कर दी गई है। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि क्या हम माँ मनसा देवी माँ चंडी देवी के दर्शन कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आप माँ मनसा देवी माँ चंडी देवी के दर्शन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अभी रुपये का रास्ता बंद है, पैदल यात्रा ही चालू है, तो अब वहाँ से आप आराम से कर सकते हैं माँ मनसा देवी माँ चंडी देवी के दर्शन। और साथ साथ काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना यह भी था कि हम संडे और शनिवार को हम माँ मनसा देवी चंडी देवी के दर्शन कर पाएंगे, आप बिल्कुल माँ मनसा देवी माँ चंडी देवी के दर्शन शनिवार को भी और संडे को भी कर पाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप माँ मनसा देवी पैदल यात्रा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको गाड़ी की सुविधा भी मिल जाएगा, आप पैदल यात्रा जहाँ से लिखा होता है वहीं पे आपको कुछ एक्टिवा वाले मिलेंगे जो आपको माँ मनसा देवी के दर्शन करा देंगे, वो 100 से 150 रुपये आने जाने का लेंगे, पर पर्सन लेंगे। और अगर वहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आपको ऊपर से कंफर्म है मिलना, वहाँ से तो आपको मिल ही जाएगा, वो आपको पर पर्सन 50 रुपये लेंगे जो वहाँ से आपको कराएंगे, आने जाने का 100 रुपये लेंगे वो। इसमें थोड़ी आपको बार्गेनिंग भी करनी पड़ सकती है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु नीलकंठ महादेव यात्रा की अपडेट चाह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर जाना चाह रहे हैं तो कोविड टेस्ट आपके पास नहीं है तो आपको वहां पे कोविड टेस्ट अगर चेकिंग हुआ तो हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालु की कोविड टेस्ट कर रहे थे और काफ़ी सारे लोगों की नहीं भी कर रहे थे, क्योंकि क्या मेरे पास भी कोविड टेस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन मैं चले गया, मेरी चेक वहाँ पर नहीं हुई और काफ़ी सारे लोगों की हो भी रही थी। अगर आप नीलकंठ महादेव जाने की सोच रहे हैं तो आप देख लीजिएगा मौसम की कंडीशन क्यों क्या है, नीलकंठ महादेव आपको पता ही है थोड़ा पहाड़ पे है तो आने जाने में थोड़ी सी क्या है बारिश की वजह से परेशानी हो सकती है, ये आप प्लानिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब गया था काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और काफ़ी जगह में जो रास्ते बंद भी हो गए थे कुछ कुछ हिस्सा, तो वहाँ पे परेशानी हो सकती है अगर रास्ते बंद हो जाते हैं तो बरसात अगर हो रही है तो आप थोड़ा देख के जाएँ तो आपको आने और जाने में परेशानी नहीं होगी, बाकी जैसे कोई दिक्कत नहीं है कोविड टेस्ट का, कोविड टेस्ट है तो भी और नहीं तो भी आप आसानी से जा सकते हैं। टैक्सी का किराया तो आपको बताया दिया था, टैक्सी का आने जाने का 200 रुपया ले रहे हैं टैक्सी वाले।